जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आपकी जो परीक्षा की घड़ी थी वो समाप्त हो चुकी है। इंडियन आर्मी का आपका जो एग्जाम था 15 जनवरी को, जो कि कल पेपर था, वो सभी बीआरओ, जेडआरओ, एआरओ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, आपके अंदर बहुत हड़बड़ी होगी कि अब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कौन बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे 42 पर टिक हुआ है, मेरा 45 पर टिक हुआ है, कोई सोच रहा है मेरा 38 पर टिक हुआ है, कोई सोच रहा है मेरा 40 पर टिक हुआ है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों अब आपको घबराना नहीं है। बस आपके सामने 15 दिन बाद आपका रिजल्ट है, वो आने वाला है। इससे पहले मैं आपको आपका जो मोटा मोटा मैं कट ऑफ लेके आया हूँ, वो आपका 1-2 नंबर का ऊपर नीचे रहेगा। वो कट ऑफ आपका 100%, आप इसको 1-2 नंबर ऊपर लेके चले, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। बिल्कुल आप ये मानो कि आपका सिलेक्शन एक कट ऑफ के आधार पर बिल्कुल 101% होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। आपका जो नेगेटिव मार्किंग थी वो आपको उसमें देख ले कि आपका जो कितने नंबर कम हुए हैं और जो आपके कितने टिके हैं, वो सब आप अपने आपको पता ही होगा कि हमने इतना टिक किया है, इतने हमारे गलत हो चुके हैं। आप उसमें माइनस मार्किंग करने के बाद में जो कट ऑफ आपका जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपका कट ऑफ रहने वाला है। दोस्तों ऐसे कट ऑफ रहेगा आपका, जैसे कि आगरा का जो कट ऑफ है 168 से 170 जाने वाला है, जो कि इसका पिछली बार भी 168 और 166 के समथिंग इसका कट ऑफ पिछली बार भी रहा था। सेम ऐसे ही दानापुर का 166 से 170 है, जोधपुर का 170 से 172 है, मुजफ्फरपुर का 170 से 172 है, गया का 160 से 162 है, ग्वालियर का 164 से 166 रहने वाला है। इसके बाद में भोपाल का 160 से 164 रहने वाला है। वाराणसी का देखें तो 160 से 162, लखनऊ का 176 से 168, जामनगर गुजरात का 150 से 152, गोपालपुर का 150 से 152 और अमेठी एआरओ का 168 से 170। इस तरीके से जो मैंने 12 एआरओ के, बीआरओ के, जेडआरओ के आपको मैंने कट ऑफ दिखाए थे, ए इनका कट ऑफ जाने वाला है। 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपका 100 नंबर फिजिकल है, वो 35 नंबर भी अगर टिक करके आता है उसका सिलेक्शन श्योर है। अगर जिस बंदे के नंबर 168 से 170 आ रहे हैं, बिल्कुल आज से आराम से वो टेंशन फ्री हो गए, अपना अकाउंट निकलवा ले, पैन कार्ड बनवा ले और अब तैयारी करें किसकी, फौज में जाने की, क्योंकि अब उसका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। अब आती है क्लर्क की बात। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्लर्क में क्या होगा, क्लर्क में हमारे टिक हुए हैं 35 हुए, 40 हुए। दोस्तों अगर जिस बंदे का क्लर्क में 33+ इन्होंने टिक किया है ना, उसका 1000% उसका सिलेक्शन पक्का है भाई, कोई नहीं रोकने वाला। और इसके बाद मैं था आपका टेक्निकल वाला बंदा सोच रहा है कि सर अब मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो टेक्निकल में देखो बच्चों, आपका जो कट ऑफ है ना आपके एग्जाम के आधार पर होगा, उसमें भी आपको कम से कम 20 से 25 बंदे हर बीआरओ पे लिए जाएंगे टेक्निकल में, 20 से 25। अब ट्रेड का रहता है, ट्रेड का हर ट्रेड बोले तो आर्मी ट्रेड में क्या होता है कि एक तो होता है 10th पास, एक होता है 8th पास, ये दोनों होते हैं, दोनों की वैकेंसी अलग अलग होती है। तो अभी इन दोनों में वैकेंसी होंगी लगभग सभी बीआरओ में 10 से 15 टोटल की समथिंग मांगी चलो आप, इसमें से आपके डिवाइड कर दिया जाएगा कि आपको कौन सी ट्रेड में कितना लेंगे, लेकिन दोनों का कट ऑफ 180+ रहने वाला है ट्रेड का। जिन बंदों का 100 का फिजिकल है और उनके 180 आपके कम से कम 42 क्वेश्चन 80+ क्वेश्चनों पर आपका टिक सही लगा है तो आपका ट्रेड में श्योर सिलेक्शन है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन की प्रक्रिया थी पूरी, मैंने बता चुका हूँ कि आपका अगर इतना नंबर आ रहा है, आपका इतना कट ऑफ जाएगा, पूरा कट ऑफ बता दिया है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आराम से चैन की नींद सोएं। 31 जनवरी को आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपका आउट कर दिया जाएगा। 2 फरवरी को आपका ज्वाइनिंग है, 2 फरवरी को अपनी ज्वाइनिंग ले, उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग पे चले जाना है। तो इस तरीके से आपका पूरे इंडियन आर्मी का भर्ती प्रक्रिया होने वाला है। और दोस्तों एक चीज और, अगर जो बच्चे पेपर देके आए ना वो घबराए ना, अब हम 4 साल करेंगे, देखो भाई परमानेंट कर दिया जाएगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको परमानेंट इंडियन आर्मी में लिया जाएगा, क्योंकि अभी सारे सेंटर खाली डले हैं। तो उन सेंटरों में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और सेंटरों को भरने के लिए आपको परमानेंट कर लिया जाएगा, तो आप घबराना बिल्कुल, आप तैयार बस डटे रहें, अड़े रहें। जय हिंद, जिंदाबाद।